Hello viewers, hi, I am Navendu Kant, your English trainer right now. Today in this video lecture, we shall discuss much about the second type of sentences that is known as imperative sentence. In this video lecture, we shall know and learn what an imperative sentence is, how better it can be defined, what structures it has got, and how well we can form any such imperative sentences in English language. आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में imperative sentence जो sentences का दूसरा type माना जाता है उस imperative sentence के बारे में डिटेल वे में जानेंगे कि imperative sentence क्या होता है, इसकी definition क्या हो सकती है, इसे फॉर्म करने के लिए क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं और किस तरह हम बिना हेजिटेशन के किसी भी ऐसे इंपरेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर में अपनी नॉलेज को इनहेंस करने के लिए माय डियर व्यूअर्स, अब आपको या तो डिजिटल फॉर्मेट में लिखी हुई मेरी बुक कॉन्सेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर एट ए ग्लैंस रिटन बाय एनकंट एंड पब्लिश्ड बाय ब्लू रोज पब्लिशर्स गूगल प्ले बुक से 50% बोनांजा डिस्काउंट ऑफर को एफर करते हुए ले लेनी चाहिए या इसकी फिजिकल फॉर्मेट जो अब ब्लू रोज स्टोर्स, अमेजन, फ्लिपकार्ट और शॉप क्लूज के स्टोर्स में अवेलेबल हैं, वहां से 12% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर एफर करते हुए ऑनलाइन शॉपिंग से ले लेनी चाहिए। हरी अप, डोंट मेक एनी फर्दर डिले, इट विल बी डिसएडवांटेजेस टू यू माय डियर व्यूअर्स, बाय इट एंड गेट इट एंड एंजॉय लर्निंग देयर मोर एंड मोर। टू बिगिन इट लेट्स फर्स्ट नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस given on the board. Its definition is a sentence in which some different ideas like advice or suggestion, salah, order or command, adesh, request, vinti, prohibition or forbidding, manahi, or apology और forgivingness, that is माफी और क्षमा याचना आर एक्सप्रेस्ड इन सेंटेंस इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को शुरू करने के लिए सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन क्या कहता है उसको समझने की कोशिश करेंगे जो बोर्ड पे दिया हुआ है। बोर्ड पे गिवन डेफिनेशन के लैंग्वेज के मुताबिक इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कई अलग अलग तरह के आइडियाज का एक्सप्रेशन होता है। अ सेंटेंस इन व्हिच सम डिफरेंट आइडियाज, व्हाट आइडियाज, लाइक द आइडियाज ऑफ एडवाइस और सजेशन, ऑर्डर और कमांड, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन और फॉरबिडिंग, apology or forgivingness are expressed। एक ऐसा special sentence English language का जिसमें कई अलग अलग तरह के ideas का expression होता हो, जिन ideas में पता चलता हो language को पढ़ने से कि imperative के sentence में कोई किसी को सलाह दे रहा है, advice या suggestion, कोई किसी को order या command दे रहा, आदेश दे रहा है, आज्ञा दे रहा है, या कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है किसी चीज के लिए, या फिर जिस सेंटेंस के एक्सप्रेशन से पता चलता हो कि उसमें प्रोहिबिशन या फॉरबिडिंग का एक्सप्रेशन हो रहा है, यानी मनाही, किसी काम को रोकने से मना किया जा रहा है, प्रोहिबिट किया जा रहा है, फॉरबिड किया जा रहा है, या फिर उस सेंटेंस से
माफी और क्षमा याचना, जिसे इंग्लिश में अपॉलजी या फॉरगिविंगनेस बोलते हैं, इन सारी अलग अलग डिफरेंट आइडियाज का एक्सप्रेशन जिस किसी भी सेंटेंस में होता हो, उस सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। वंस अगेन, इंपरेटिव सेंटेंस एक ऐसा स्पेशल सेंटेंस होता है जिसमें एडवाइस या सजेशन, ऑर्डर या कमांड, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन और फॉरबिडिंग, एपॉलजी और फॉरगिविंगनेस, इन सारी डिफरेंट आइडियाज का एक्सप्रेशन होता हो, उस सेंटेंस को हम कौन सा सेंटेंस कहेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस का इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसा कि मैंने कहा कि यह एक स्पेशल सेंटेंस होता है। स्पेशल सेंटेंस क्यों? क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसका स्ट्रक्चरली कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, जिसके सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट कहीं नहीं दिखेगा, दिखने से नहीं लगेगा इस सेंटेंस में, ऐसे सेंटेंसेस में कोई सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट होता है ओपन वे में नहीं, हिडन वे में, एक्सप्रेस्ड नहीं, अंडरस्टूड होता है, अनएक्सप्रेस्ड होता है, और वो इंग्लिश लैंग्वेज के सारी इंपरेटिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट एक ही होता है, और वो होता है सेकंड पर्सन सिंगुलर या प्लुरल, यू और यू ऑल। तो हमने जो कहा इंपरेटिव सेंटेंस एक स्पेशल सेंटेंस होता है, ऐसा कहने के पीछे दो रीजंस हैं। फर्स्ट कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ओपन वे में दिखेगा नहीं, अपेरेंटली या स्ट्रक्चरली कहीं नजर नहीं आएगा, अंडरस्टैंडिंग में या कंसेप्चुअली धारणा के तौर पर उस सेंटेंस में सब्जेक्ट छुपा होता है, हिडन होता है, दिखता नहीं, छुपा होता है। इसलिए हमने कहा इट्स सब्जेक्ट इज ऑलवेज हिडन, नॉट ओपन। इट्स सब्जेक्ट इज ऑलवेज अंडरस्टूड, नॉट एक्सप्रेस्ड। और वो सब्जेक्ट क्या होगा? ऑलवेज सेकेंड पर्सन सिंगुलर या प्लुरल, यू और यू ऑल। एक सेकेंड रीजन क्या था? सेकेंड रीजन ये कि ये एक ऐसा स्पेशल सेंटेंस इसलिए भी होता है क्योंकि इस सेंटेंस में डिफरेंट आइडियाज का एक्सप्रेशन होता है जो इसके डेफिनेशन से अंडरस्टूड है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेज में डेफिनेशन को समझने के बाद यह जानेंगे कि ऐसा जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होता है उसको फॉर्म करने के लिए कोई कंफर्टेबल स्ट्रक्चर्स हो सकता है या नहीं। मेरे मुताबिक इंपरेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए एसर्टिव सेंटेंस की तरह ही इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके अपने स्पेसिफिक और स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेट्स नो अबाउट द वेरियस स्ट्रक्चर्स फॉर इंपरेटिव सेंटेंसेस। द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज व्हाट भी बन प्लस फुल स्टॉप। किसी सेंटेंस में एक वर्ड अगर वो भीवन हो तो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, और वो सेंटेंस माना जाएगा क्या? इंपरेटिव। ओके, जैसे हम कहते हैं गो, तो गो कहने से इसका कॉन्सेप्शन क्या बनता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? यू गो, आई आस्क यू टू गो, यू गो। ओके, कम, ये भी क्या है? एक कंप्लीट सेंटेंस है, और इस कम को जब हम एक सेंटेंस के फॉर्म में एक्सप्रेशन देते हैं तो उससे इंपरेटिव सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग होती है। क्यों? क्योंकि इसका भी सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यू ही है। व्हेन एवर वी से कम, इट मस्ट मीन दैट आई आस्क देम टू कम, यू कम। ओके, या ज्यादा से ज्यादा भीवन को हम एक्सपेंड करना चाहें, इस स्ट्रक्चर को जरूरत के हिसाब से एक्सपेंड करना चाहें, तो भीवन के बाद एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉलो कर सकता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे? लिविंग नाउन या पर्सनल प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे आई का मी,
वी का अस, यू का यू, दे का दे, ही का हिम, सी का हर, ओके। ये लिविंग नाउन को बतलाने वाले एक ऑब्जेक्ट फॉलो कर सकते हैं, और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉलो किया तो उसके बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी फॉलो करेगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? नॉन लिविंग नाउन का जब यूज ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है तो उसे कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके फुल स्टॉप। तो ऐसा कोई सेंटेंस जिसे हम फर्स्ट स्ट्रक्चर पे बना रहा हूं, V1 प्लस फुल स्टॉप या V1 प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उस स्ट्रक्चर के बनने वाले सेंटेंस में किस आइडियाज का एक्सप्रेशन होगा? एडवाइस, ओके। अब जैसे कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस दिए हमने, गो, या ज्यादा ज्यादा कहें गो देयर। सेकंड, गिव हर, यहां हर ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गिव हर व्हाट? अ बुक। अ बुक यहां क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग नाउन को बतलाने वाला ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बुक आया है, और लिविंग नाउन को बतलाने वाला हर यहां ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इनडायरेक्ट के रूप में यानी लिविंग के रूप में आया, ओके। तो गिव हर अ बुक या गो देयर, कम सून, ये सारी सेंटेंसेस कौन सी सेंटेंसेस के एग्जांपल बनेंगे? इंपरेटिव सेंटेंसेस। और इन सारे सेंटेंसेस जिसका स्ट्रक्चर क्या है? V1 प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनसे किस आइडियाज का एक्सप्रेशन हो रहा? एडवाइस, ओके। लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड स्ट्रक्चर फॉर फॉर्मिंग इंपरेटिव सेंटेंसेस। सेकेंड स्ट्रक्चर है डू प्लस V1 ब्रैकेट में प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां भी हमने V1 के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया, ब्रैकेट में दिया, ओपन वे में नहीं दिया, इनक्लोज्ड फॉर्मेट में दिया। क्यों दिया? क्योंकि V1 के बाद ज्यादा ज्यादा सेंटेंस का एक्सटेंशन होगा, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉलो करेंगे, और जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सर्टेनली उसके बाद फॉलो करेंगे। उसी तरह से यहां टू के बाद सेकंड स्ट्रक्चर में क्या लगाना है? V1 प्लस ब्रैकेट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, वो हमारी नीड पे डिपेंड करेगा, हम कहना क्या चाहते हैं, कितनी बातें कहना चाहते हैं, प्लस फुल स्टॉप। अब कोई सेंटेंस सेकेंड स्ट्रक्चर पे बना हो, यानी टू प्लस V1 से स्टार्ट हो रहा हो और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा हो, तो उस स्ट्रक्चर पे बनने वाले सारे इंपरेटिव सेंटेंसेस से किस आइडियाज का एक्सप्रेशन होगा? ऑर्डर और कमांड। जनरली जब हम ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं किसी को कोई काम करने के लिए, तो टोन में हार्शनेस होता है, लहजे में कड़ापन होता है, और उसके लिए हम 2 प्लस V1 वाला सेकेंड स्ट्रक्चर यूज करते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, डू ब्रिंग दो चेयर्स हियर, डू ब्रिंग दो चेयर्स हियर, डू ब्रिंग, यहां ऑर्डर और कमांड है, ओके। डू गिव हिम सम वाटर, डू गिव हिम सम वाटर, उसे कुछ पानी दो, वो सारी चेयर्स यहां लाओ, ओके। These are some examples of such sentences which express definitely what? Order or command. And these all sentences have been formed on the second structure, that is do plus V1. Okay? Let's understand the third structure. Third structure mein kehta hai, sentence ko start karein don't se या नेवर से प्लस V1, डोंट ऑब्लिक नेवर प्लस V1, और ज्यादा ज्यादा आप एक्सटेंशन करेंगे उसके बाद आ जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। थर्ड स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा डोंट प्लस V1 या नेवर प्लस V1 से, ऑब्लिक दे दिया है, उसके बाद
ज्यादा ज्यादा उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। और इस स्ट्रक्चर पे बनने वाली जो भी इंपरेटिव सेंटेंसेस होंगे उनसे किस आइडियाज का एक्सप्रेशन होगा, डेफिनेटली प्रोहिबिशन और फॉरबिडिंग, मनाही का एक्सप्रेशन होगा। यानी हमें इंपरेटिव लैंग्वेज में अगर किसी को कोई काम करने से रोकना हो, मना करना हो, प्रोहिबिट करना हो, फॉरबिडिंग करनी हो, तो उसके लिए हम थर्ड स्ट्रक्चर का सहारा लेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। लेट्स सी इट्स रिस्पेक्टिव एग्जांपल सेंटेंसेस। फर्स्ट, डोंट लाई, झूठ मत बोलो। डोंट बीट हिम, उसे मत मारो। नेवर गिव हिम एनी मोबाइल, उसे कोई भी मोबाइल मत दो। तो इन सारी लैंग्वेज में किसी एक्शन को करने से रोका जा रहा है, मना किया जा रहा है। इसलिए ऐसी लैंग्वेज का जब इस्तेमाल करेंगे तो उन सारी सेंटेंसेस की स्टार्टिंग होगी, बिगनिंग होगी डोंट या नेवर के एसेंशियल एलिमेंट्स। ओके, तीन स्ट्रक्चर्स देने के बाद अब आपके अंडरस्टैंडिंग में ये बात क्लियरली आ जानी चाहिए कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम चाहें सेंटेंसेस का फॉर्मेशन स्ट्रक्चर वन पे कर रहे हो, स्ट्रक्चर टू पे कर रहे हो, या फिर स्ट्रक्चर थ्री पे, लेकिन इन तीन स्ट्रक्चर्स में एक कॉमनिस्ट पॉइंट ये है कि इंपरेटिव की लैंग्वेज में V1 इज ऑलवेज देयर। इंपरेटिव सेंटेंस एक ऐसा स्पेशल सेंटेंस, यहाँ थर्ड रीजन दे रहा हूँ, स्पेशल सेंटेंस के रूप में एक ऐसा स्पेशल सेंटेंस होता है जिसमें V1 ऑलवेज होता है। वर्ब का कोई दूसरा फॉर्म परमिटेड नहीं होगा। आप वर्ब के किसी दूसरे फॉर्म को V1 को छोड़कर इंपरेटिव की लैंग्वेज में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर V1 से ही स्टार्ट हुआ, सेकेंड स्ट्रक्चर डू के बाद V1 फॉलो किया, थर्ड स्ट्रक्चर में डोंट और नेवर के एसेंशियल एलिमेंट के बाद V1 ही फॉलो किया, यानी V1 इज द कॉमनेस्ट पॉइंट। ओके, अब इंपरेटिव सेंटेंस के डेफिनेशन, उसके तीन स्ट्रक्चर्स और तीन स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड जो एग्जांपल सेंटेंसेस बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए दिए जा सकते थे, हमने दे दिया। आपकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर अब तक हो चुकी होंगी। अब हम जानेंगे कि ये इंपरेटिव सेंटेंसेस कितने होते हैं। माय डियर व्यूअर्स, यू मस्ट फील वेरी हैप्पी टू नो दैट दीज ऑल इंपरेटिव सेंटेंसेस कैन will be of their three types only, like those three types of assertive sentences. जिस तरह से हमने बताया था previous video में कि assertive sentences तीन ही होते हैं, affirmative, negative और imperative, ठीक उसी तरह से imperative sentences भी structures के मुताबिक, example sentences के मुताबिक जो आप देख रहे हैं तीन ही होंगे। इसके भी types तीन ही होंगे, कौन कौन से? अफर्मेटिव्स, नेगेटिव्स, इम्पेरेटिव। यानी अफर्मेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस और लास्ट इम्पेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अब कुछ एग्जांपल भी दिए हैं अफर्मेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस के। एग्जांपल क्या होंगे? जैसे गिव हर अ बुक, अफर्मेटिव है, नॉट नहीं लगा हुआ है, नेवर नहीं लगा हुआ है। गिव हर अ बुक, ये अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल हो गया। इसका नेगेटिव क्या बनेगा? डोंट गिव हर अ बुक, थर्ड स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्ट्रक्चर को थर्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर में V1 से स्टार्ट हुआ था अफर्मेटिव के लिए, नेगेटिव में जाने के लिए हम क्या करेंगे? थर्ड स्ट्रक्चर का सहारा लेंगे, यानी गिव हर अ बुक के पहले क्या डाल देंगे? डोंट, तो नेगेटिव में चेंजिंग हो गया। इम्फेटिक, इसको इम्फेटिक में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? डू गिव हर अ बुक, हियर इज अ ब्लंडर मिस्टेक, सॉरी माय डियर व्यूअर्स, आई हैव माय सेल्फ मिस्टेकन,
I did not pay my concentration to give her a book. This should be a complete language, correct language. Affirmative, give her a book. का emphatic क्या बनेगा? Do give her a book. Okay? Similarly, second sentence है, listen to him. उसकी बात सुने. Affirmative है, negative में जाएंगे, क्या लगेगा? Don't लगेगा. Don't listen to him. उसकी बात मत सुने. Emphatic क्या होगा? Do listen to him. उसकी बात अवश्य सुने. अब देखा आपने कि जितने भी अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस होंगे वो ऑलवेज भीवन से स्टार्ट होंगे. वो किस चीज से भी स्टार्ट होंगे? भीवन से, यानी स्ट्रक्चर वन के मुताबिक. जितने भी अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस होंगे दे ऑल विल बिगिन विथ व्हाट? भीवन ओनली. और जितने भी नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस होंगे दे ऑल विल बिगिन विथ व्हाट? डोंट. और जितने भी इंफेटिक इंपरेटिव सेंटेंसेस होंगे वो ऑलवेज डू से स्टार्टेड होंगे, डू से बिगिन करेंगे. दीज आर सम सिमिलरिटीज वी मस्ट बियर इन आवर माइंड व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग अफर्मेटिव इंपरेटिव्स, नेगेटिव इंपरेटिव्स और इंफेटिक इंपरेटिव्स. ओके, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड टुडेज वीडियो लेक्चर ऑन इंपरेटिव सेंटेंसेस. माय डियर व्यूअर्स, इफ यू कंसीडर टुडेज वीडियो क्वाइट अमेजिंग, यूनिक एंड डिफरेंट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बाय प्रेसिंग द बेल आइकन. प्लीज डोंट फॉरगेट टू like the video and please don't forget to share it more and more. Stay home, stay safe. Thanks a lot for watching today's video. Have a nice time.